हाय गाइस, आई एम मिंटो और आज हम जिस बात का रोना रोने जा रहे हैं फिर से वो है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम में एम्प्लॉई से ज्यादा बॉस चिढ़ा हुआ है उस काम की वजह से जिसको वो करता ही नहीं। ये बॉस वो प्राणी है जो बिल्कुल वेला होता है, जिसको कोई काम नहीं होता पर दूसरों को हमेशा काम का शोर मचा के रखता है। बॉस वो बंदा होता है जो बिना बात के मुंह बना सकता है, मतलब गिरगिट रंग बदलता है, ये मुंह बदलता रहता है, सेल्फी लेने वाली लड़कियों से भी ज्यादा फेस बना सकता है, ये इतना सेल्फिश होता है बॉस। बॉस वो होता है जिसके पास करने के लिए एक भी काम नहीं होता पर निकम्मे काम तीन होते हैं। पहला ऑर्डर देना, दूसरा गालियां देना और तीसरा डांटना, वो भी बिना किसी रीजन के। बॉस तो इतना वेला होता है, ये ऑफिस में बैठा हुआ हो ना, इसके सामने टेबल पर फाइल पड़ी हुई है पास में, उसको भी साला खुद नहीं उठाएगा, टेबल पे रखी हुई बेल बजा के बाहर से पीएन को बुलाएगा, उसको बोलेगा ये फाइल पकड़ाना, इसको कोई बताए अबे साले बेल बजाने के लिए भी तो हाथ टेबल तक लेके जा रहा है तो फाइल उठा ले। पर नहीं, जिसमें बिग बॉस से भी ज्यादा एटीट्यूड हो उसी को कहते हैं बॉस। ये जो हम लोग सांस लेते हैं, शुक्र है भगवान ने कोई सिस्टम बनाया हुआ है कि बंदा अपनी सांस खुद ले सकता है, नहीं तो ये बॉस लोगों ने सालों ने उसके लिए भी ऑफिस में एक एम्प्लॉई रख लेना था जिसका काम होना था सांस लेना। बॉस उसको बोल रहा है अरे सुनो यार मैं थक गया हूं, अगले आधे घंटे के लिए मेरी सांस लेना प्लीज। और जो एम्प्लॉई गुस्से में होना था किसी वक्त उसने बॉस के हिस्से की सांस दबा के बॉस मार दिया करना था। ये वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है लॉकडाउन की वजह से। अभी लॉकडाउन से पहले देखिए बॉस लोग ऑफिस में होते थे, ये सबको डांटते थे बिना बात के, पर इनको डांटने वाला कोई नहीं होता था। पर जब से लॉकडाउन लगा है घर में इनको बीवी की डांट पड़ती है जो कि इनको बिल्कुल आदत नहीं है सुनने की। अभी बीवी की डांट की फ्रस्ट्रेशन भी साले एम्प्लॉई पे निकालते हैं, मतलब जो बॉस लॉकडाउन से पहले ऑफिस में मुंह बनाता था वो भी आजकल घर में दो मिनट की मैगी बना रहा है। अभी लॉकडाउन में देखिए कंपनी में ज्यादा काम होता नहीं पर ये बॉस लोग इतने चलाक होते हैं, ये कोई ना कोई काम निकाल लेते हैं एम्प्लॉई को काम पे लगाने के लिए। कंपनी मीटिंग अभी 10 दिन बाद होगी, अभी से बोल देंगे यार ऐसा कर तू ना रोज मुझे 3-4 आइडिया बना के मेल कर दिया कर, और वो एम्प्लॉई बेचारा लगा हुआ है लैपटॉप निकाल के हार्डवर्क करने के लिए रोज आइडिया बना के बॉस को भेजता है। और ऊपर से ये बॉस लोग इतने चूतिया होते हैं, एम्प्लॉई की तारीफ करते हुए इनको मौत पड़ जाती है, एक तो उससे आइडिया लेते हैं दूसरा उसको बोलते भी हैं यार क्या आइडिया बनाया, व्हाट इज दिस, व्हाट द हेल इज दिस, भाई कहां से लाते हो ये फुतू आइडिया। मैं क्यों भाई, मेरा दिमाग खराब था, मैंने तुम्हें बोल दी यार सोचो कुछ भाई, प्लीज ग्रो अप मैन, कुछ करना है कि नहीं लाइफ में यार, इसीलिए तुम एम्प्लॉई और मैं बॉस हूँ। और एम्प्लॉई माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी बड़ी गालियां मन में सोच के बोल रहा होता है अबे साले अगर इतना इंटेलिजेंट है तो मुझे क्यों बोला था आइडिया देने के लिए। और ये बॉस लोग इतने चलाक होते हैं, जिस एम्प्लॉई को आइडिया के लिए डांट लगाई होती है हरामखोर मीटिंग में उसी का आइडिया दे के वाह वाही लूट रहे होते हैं। अभी लॉकडाउन में किसी ने कुछ क्रिएट किया है, किसी ने कुछ क्रिएट किया है, वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे सबसे ज्यादा अगर किसी ने गालियां क्रिएट की हैं तो वो हैं ये प्राइवेट एम्प्लॉयज, क्योंकि उनको खुद बहुत पड़ती है बॉस से, बॉस एक गाली निकालता है ये 100 गाली क्रिएट कर देते हैं, इतने इनके शरीर में मसल्स जो होते हैं जितनी गालियां होती हैं, इतने बड़े क्रिएटर हैं ये गालियां, इतना पूरे दिन में जावेद अख्तर बात करते हुए थूकता नहीं है जितनी ये गालियां थूक देते हैं। इसलिए तो जब लंच टाइम होता है ना तो ये एम्प्लॉई बेचारे 2-2 रोटी खाते हैं और 2 मिनट में 300-300 गालियां निकालते हैं अपने बॉस को। एक एम्प्लॉई तो अपने बॉस से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया उसने अपने कुत्ते का नाम बॉस के नाम पर रख लिया, शाम को जाके उसका नाम ले लेकर उसको डांटता था, कुत्ता बेचारा सोचता था यार कुत्ता मैं हूं कुत्ते काम तू कर रहा है। एक एम्प्लॉई तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया उसने अपने बॉस को यूनिक वे में मारने का प्लान बना लिया। अभी करवा चौथ का दिन था, बॉस की बीवी ने व्रत रखा हुआ है, अभी इस एम्प्लॉई ने क्या किया किसी बहाने पानी पिला के उसकी बीवी का करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया ताकि बॉस मर जाएगा। अगले दिन ऑफिस गया देखा बॉस जिंदा था, पर एम्प्लॉई बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको प्रूफ हो गया कि बॉस की बीवी उसके बॉस को हस्बैंड नहीं मानती, क्योंकि सेम डे पे ऑफिस का पीएन मर गया। अभी यार मैं एक बात बताऊं, इन बॉस लोगों को तंग करना बहुत आसान होता है, ये ऊपर ऊपर से स्ट्रांग बनते हैं अंदर से बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, ये लोग तो इतने डिप्रेस होते हैं इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर दो उसी की स्ट्रेस लेके इनको माइग्रेन हो जाएगा,
वर्क फ्रॉम होम में कुछ एम्प्लॉय तो बेचारे 5 मिनट के लिए भी घर से बाहर नहीं जाते कि पीछे से कहीं जूम मीटिंग का लिंक ना आ जाए, क्योंकि उनको भी पता है जूम मीटिंग अटेंड नहीं की तो फिर सैलरी नहीं, सीधा बॉस का नोटिस आएगा। एक एम्प्लॉय के रिश्तेदार की शादी थी, वो साथ में लैपटॉप ले गया। उधर शादी में खाने का टाइम हो गया, सभी लोग पनीर टिक्का खा रहे हैं और ये एम्प्लॉय बेचारा साइड पे टेंट लगा हुआ, उसके नीचे बैठ के अपनी असाइनमेंट बना रहा है। उधर से बीवी आई, बोली अजी उधर आइए ना, वो दूल्हा दुल्हन को शगन डालना है। ये वही से बोला ऐसा करो तुम शगुन डाल दो, मुझे बॉस को मेल डालनी है। ये लॉकडाउन की वजह से जो लोग कुंवारे हैं उनका गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है, और जो लोग शादीशुदा हैं वो ब्रेकअप की कगार पे हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि यार टेंशन नहीं लेने का, वर्क फ्रॉम होम में अगर बॉस डांटता है तो उसको इतनी बड़ी बड़ी गालियां मन में इतने धीरे से निकालनी है उसको सुनाई ना दे। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट टॉपिक्स पे ज्यादा से ज्यादा ह्यूमर बना के आपको एंटरटेन करता रहूं। थैंक यू।